भी ले लेते हैं, एसी भी ले लेते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी मींस क्या होता है? मात्रा, यही होता है, मतलब कितने आप सेल्स कर रहे हैं, कितने पीसेस में। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख देंगे, जैसे कि प्रिंटर आपने दो किए हैं, मोबाइल चार, लैपटॉप तीन, टीवी भी आपने दो कर दी, और एसी आपने एक कर दी सर, ठीक है। अब यहाँ पे पर अमाउंट, मतलब एक का अमाउंट कितना है, तो आप डाल देंगे एक का अमाउंट जो भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पे है 6,000 इसका। मोबाइल तो बहुत महंगा आता है, तो 25 वाला ले लेते हैं अपन, ज्यादा महंगा नहीं। लैपटॉप भी बहुत महंगा आता है, तो अपन इसको ले लेते हैं 15,000 का। टीवी आ जाएगी 10,000, एसी, ठीक है। ये आपने क्या किया है, एक का अमाउंट लिया है। अब यहाँ पे आपने दो प्रिंटर लिए हैं, एक का अमाउंट कितना है 6,000, तो दो का कितना होगा 12,000, तो वो कहाँ पे आएगा आपका अमाउंट। आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई मतलब इनटू किया है, तो क्या करेंगे आप, इक्वल क्वांटिटी का सेल एड्रेस इनटू पर अमाउंट एंटर कर देंगे, आ गया। याद रखना, आपको फॉर्मूले याद रखना है, बाकी आप जो भी फील्ड लेते हैं वो आगे पीछे हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिए तो आप भी यहीं पे क्वांटिटी ले, हो सकता है आप यहाँ पे पर अमाउंट ले लें, बाद में क्वांटिटी ले लें, ठीक है। बस फॉर्मूले याद रखना है आपको, आ जाएगा आपको अमाउंट निकालना। इसके बाद है डिस्काउंट। अब आप यहाँ पे डिस्काउंट भी देंगे, जैसे कि प्रिंटर पर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं आप, और मोबाइल पर कितना है। आप देखते हैं मोबाइल में जब ऑफर चलते हैं तो कितना सारा डिस्काउंट मिल जाता है, पर उतना ही मिलता है, वो तो दे देते हैं नाम के लिए। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट लिखते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए इस पर आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, 3%, 3 लिखा, शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो परसेंटेज का साइन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे टाइप कर लें, या फिर इनमें आप परसेंटेज का साइन एक्टिवेट कर लें, पहले सेलेक्ट करेंगे इतने एरिया को, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे नॉर्मली क्या करेंगे, टाइप करेंगे फोर परसेंट, यहाँ पे ले लेते हैं अपन 3% ही, 2%, और यहाँ पे फिर ले लेते हैं अपन 5%। देखिए आपने पहले परसेंटेज का साइन एक्टिवेट कर लिया था, तो आपको सिर्फ नॉर्मली टाइप करना रहा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे। आपको पता है डिस्काउंट माइनस होता है, तो आपको पहले यहाँ पे 12,000 का 3% निकालेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, वो निकालना है अपन को। तो क्या करते हैं अपन, इक्वल करेंगे अमाउंट का सेल एड्रेस इनटू डिस्काउंट, एंटर कर देंगे, तो 360 रुपये आपके कम हो जाएंगे, किसमें से, 12,000 में से। और अपन इसको ड्रैग कर देते हैं तो सभी का आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेट अमाउंट निकालेंगे। तो इक्वल करेंगे अमाउंट का सेल एड्रेस माइनस क्या करेंगे आप, डिस्काउंट अमाउंट, एंड एंटर कर देंगे आप, आ गया। क्या नेट अमाउंट मतलब अभी आपका बिल कितने का बन रहा था, ओनली प्रिंटर का 12,000 का, आपको 12,000 रुपये मिलते सामने वाले पर्सन से, लेकिन आपने उस पर 3% डिस्काउंट दिया है, तो 360 रुपये कम हो जाएंगे। जो कम करने के बाद आपको मिलेंगे वो होता है नेट अमाउंट, तो कितना मिलेगा, 11,640 रुपये का बिल बन रहा है उसका, ओनली किसका, प्रिंटर का, ठीक है। बाकी अभी आपका ये टोटल बिल कितने का बनेगा, वो आप नीचे टोटल निकालेंगे, तो इतना आ जाएगा आप सभी को। फिर यहाँ पे अपन इसको मर्ज करते हैं। याद रखना आपको मर्ज कहाँ तक करना है, डिस्काउंट अमाउंट तक, क्यों, क्योंकि इसमें अपन यहाँ पे टोटल लिखेंगे अभी, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे टोटल नेट अमाउंट। फिर यहाँ पे आप इन सभी को सेलेक्ट करेंगे जो आपका यहाँ पे अमाउंट है, और यहाँ पे ऑटो सम कर देंगे, तो आपका बिल टोटल इतने रुपए का बना है। सम, फॉर्मूला भी नहीं आता, आपको बताइए, इक्वल एस यू एम सम, शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद इन सभी की रेंज सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, आया। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करेंगे ना, तो आपको पूरा चेंजेस करने की जरूरत नहीं रहेगी,
आपको तो बस क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए उन्होंने प्रिंटर कितने लिए हैं, 3, तो यहाँ पे आप 3 कर देंगे, तो देखना अमाउंट ऑटोमेटिक बढ़ गया और यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया आपका, बाकी यहाँ पर भी आपका अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज हो गया हुआ। अब जैसे कि एसी उन्होंने 1 लिए, यहाँ पे 1 ही उन्होंने 2 लिए, अपन ने 2 दे दी उनको, भेज दी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज हुआ, बस आपको फॉर्मूला फिट करना है, बाकी ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका। नहीं, अब जैसे कि उन्होंने टीवी नहीं ली है, एक भी टीवी नहीं ली है, तो आप क्या करेंगे, 0 कर देंगे यहाँ पे, तो उसका अमाउंट पूरा 0 0 बता रहा है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा कि 0 ही आ रहा है। और अगर उसने ली है सामने वाले पर्सन, तो आप लिख देंगे जितनी भी उसने ली होंगी, ठीक है, आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप जीएसटी लिख लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे लिख लेते हैं जीएसटी, जीएसटी आप कितना परसेंट लगा रहे हैं, जितने भी परसेंट आप इस पे जीएसटी लगा रहे हैं अमाउंट पे, वो आप यहाँ पे टाइप करें, जैसे कि 9% जीएसटी लगा रहे हैं आप, ठीक है, तो जीएसटी प्लस होती है आपकी, तो पहले तो आप जीएसटी अमाउंट निकालेंगे, क्या करेंगे, इक्वल करेंगे जो टोटल नेट अमाउंट है आपका उसका सेल एड्रेस, और इंटू कर देंगे आप किससे, जीएसटी, एंटर, कितनी बन रही है आपकी जीएसटी, इतनी। तो अब आप यहाँ पे टोटल क्या कर देंगे इसको, फिर टोटल कर देंगे। अगर आपको कुछ और भी टैक्स लगाने हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ और भी लगाना है, कौन सा टैक्स लगाएं अपन, सी जीएसटी, जीएसटी ये लगा देते हैं, कितने परसेंट लगा रहा है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, तो इसको भी निकाल लेंगे आप, इक्वल करेंगे टोटल अमाउंट का सेल एड्रेस, इंटू कर देंगे आप किससे, जो आपका जीएसटी मतलब वो है टैक्स एंटर, तो इन दोनों का ये आ गया। अब इन दोनों को आप प्लस कर देंगे अमाउंट में, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, टोटल अमाउंट निकालते हैं, ये मर्ज कर दी पहले से, अनमर्ज कर दें, नीचे वाली में अपन मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, टोटल नेट अमाउंट, या फिर आप ग्रैंड टोटल करके भी लिख सकते हैं, विथ ऑल टैक्स भी लिख सकते हैं इस टाइप से, या फिर आप जीएसटी दिया है, जीएसटी एंड सीजीएसटी, तो आप अलग अलग लिखेंगे तो बड़ा टाइटल हो जाएगा, मतलब हेडिंग हो जाएगी, तो आप क्या लिख देंगे, ऑल टैक्स लिख देंगे यहाँ पे, विथ ऑल टैक्स, टैक्स, ठीक है, तो आ जाएगा आपको इतना। इसके बाद इन दोनों को प्लस करना है अमाउंट को, तो आप इनका सेल एड्रेस लेंगे, इस टाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटो सम कर देंगे, तो आपका यहाँ पे ये अमाउंट दे देगा, आपने इन दोनों को भी इसमें प्लस कर दिया है। अगर इस टाइप से नहीं लेना आपको, तो क्या करेंगे आप, इक्वल करेंगे नेट अमाउंट का सेल एड्रेस प्लस जीएसटी प्लस सीजीएसटी, एंटर कर देंगे, तो वही आएगा आपका, ठीक है, या फिर सम का फॉर्मूला लगा दें आप। ये टैक्स होते हैं, ये लगते हैं नियमानुसार। अब जैसे कि आपको यहाँ पे ये करना है कि ये सी जी एस टी नहीं देना, तो आप इसको हटा देंगे, तो देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, फिर आपको और देना है तो आप दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा सभी को, तो ये बिल आपका इस टाइप से पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब अपन इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं, कलर वगैरह करते हैं, तो ये अच्छा लगेगा। बाकी आप सभी ईश्वर इसको नीचे बना के देखेंगे, पूरा करके देखेंगे अच्छे से, क्या ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कंट्रोल प्लस एस कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसे कंट्रोल प्लस एस कर दिया, तो हम इसे और कर देते हैं, तो आपको ये सेव हो जाएगा, किसमें, जो आपने यहाँ पे मार्कशीट बनाई हुई थी उसी में आपका ये बिल वाला सीट हो, मतलब बिल हो जाएगा सेव, ठीक है, तो अपन यहाँ पे दो बिल बनानी सीट अपनी, तो आप ये दोनों करके देंगे, कुछ और पूछना हो तो पूछ लेना, फिर हम क्लोज कर दें, क्लोज कर दें।